हाँ आदमी तो कोची है जी, मूरी है, सर है, अभी कोची बन गया। ऐसा ही नहीं, सबको जरा बचाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं जी? एक दिन बचाना पड़ेगा, नहीं तो जो हॉस्पिटल जाता उसी को पता है। हम भी चक्कर काटे हैं 5 साल हॉस्पिटल को, पता है हमको कि क्या होता है हॉस्पिटल का। ये शरीर है क्या है? शरीर, शरीर के अंदर में कौची है, मशीन है। आई मशीन किसका दिया हुआ है? कुदरत का, बहुत बड़ा। बिना खुराक के कौची नहीं चलता है। मोटरसाइकिल होगा तो उसका भी खुराक है, कौची खुराक है, पेट्रोल है। तो इस शरीर के चलने के लिए भी खुराक है, है खुराक। कौची कौची हवा है, पानी है, और क्या है जी? हम ही खाली लेकिन ये तो देहात में कहावत कर गए, मंगनी के बैल के दांत की तो है ना। तो मंगनी में भगवान फ्री में दे दिए है, कोई कीमत नहीं देता है, कुछ नहीं, जे मर्जी तेरा में डालते रहते हैं। मशीन भगवान ऐसा मशीन बना दिए कि सब पीस पास देते हैं अंदर में, अचरा सब कुछ, समोसा समोसा यौमिन चौमिन यार बर्गर गुप गुप कौची कौची बोलता हूँ गुप गुप चुप 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 सब चल जाता, सब हजम हो जाता है। भगवान के अंदर डाल दो, इसीलिए तो बढ़िया भोजन नहीं करने के कारण यार खाता है आयरन, मोटाई का शरीर तो मोटाता है, यही हो रहा है। लेकिन जब फ्री में जो मिला इसका कीमत नहीं हम लोग दे रहे हैं, कीमत तो बाद में चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर पैसा लगा के कोई चीज खरीदते हैं तो वैसे प्यार करते हैं, वैसे तो बड़ी करते हैं, 5,000 की अगर साड़ी किन के लाए तो तह पर तह लगा के रखेंगे, मचराएंगे, खराब नहीं होता, गोली लेकर रखेंगे, ठेके में रखेंगे, बक्सा में रखेंगे। सही बात है, कितना प्यार है 5,000 के कपड़ा से, और इस शरीर में कपड़ा के है 5,000 के है, 10 लाख के, 1 करोड़ के, कोई कीमत नहीं। कितना अरबों खरबों का कीमत इस शरीर का, जरा से कोई प्यार नहीं। और इतने तो दूर की बात छोड़ दीजिए, कोई मोटरसाइकिल कीमता है 5-10-60,000-70,000 के, ओरा से प्यार करता है, रोज मारेगा ओरा में पोछा, माता है समय पर सर्विसिंग, गलती से डीजल नहीं डलाना चाहिए, कुछ डलाना चाहिए पेट्रोल डलाएगा। और कहीं जो गलती से बाल बुतवा में सेट मत करवा में खींच अच्छा खैर वो लगा देता, कितना प्यार है। लेकिन इस शरीर से प्यार है तो पहले शरीर से प्यार करना है कि सामान से? क्या चीज से? शरीर से करना सीखो, शरीर से कोई नहीं करते। ये शरीर में मशीन है, बहुत मशीन है, ये शरीर के अंदर ये तीनों चीज जा रहा है, तीन में जा रहा है, पानी पी रहे हैं, हवा पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है। तो जैसा चीज जाएगा उसने मशीन होगा, तब इस शरीर के अंदर में शुद्ध चीज जाना चाहिए कि अशुद्ध चीज? क्या चीज जाना चाहिए? शुद्ध चीज जाना चाहिए। आप जी दिलवा में अपने सोचिए तो कि हवा पानी अशुद्ध है तकोची है, पानी हवा सब खराब है ले रहे हैं। तो यहाँ कितना आदमी बैठल सोच रहे होंगे तो नहीं लगे हवा पानी आया तो मत लीजिए तो बचिएगा जी, मजबूरी में जाना पड़ेगा आपको, नहीं जाएगा नहीं बचिएगा, ये तो जाना है ही आपका। लेकिन इसके जरिए आपका शरीर में गंदगी तो जैवे करेगा, इसके जरिए आपके मशीन में जाके धूल कण तो बैठने करेगा। लेकिन पता चल नहीं रहा है कि पानी खराब है, पन्निया के जरिए पानी में तो और ज्यादा आर्सेनिक है जी, उजला उजला परत जम जाता, और नहीं तो घर में पानी गर्म करिए ना बर्तन में, नीचे उज्जर उज्जर जमता है। देखे परेशान किए हैं, कितना आदमी किए ना, अजय ने कहले जाके अंदर जमता है, वक नहीं जमता है।
तो परी तो कितना आदमी भी बैठल बैठल सोच रहे होंगे कि गरम के लिए तन जमला है, हम तो पिए ठंडका पनिया। टेलीविजन के सामने से गाड़ी हटा लीजिए किसी का अगर है तो, अगर किसी का गाड़ी है सामने तो वहां हटा लीजिए, किसी का भी है। अरे पानी कितना आदमी का बैठल बैठल भी सोच रहे होंगे तो पनिया गरम के लिए बर्तन में तब जमले सर, हम तो पनिया तो चीज पिए ही है ठंडे ना, तो देख लिए तो छोड़ा दिए अंदर में तेरा हाथ पहुंचा बारह सूरज गया अंदर में जाके जम जाता है। भोजन के बात कीजिए तो भोजन भी खराब है, बहुत ज्यादा जम रहा है। आप यकीन मानिए कि आज इतना सा जहर आपके शरीर में गया तो कल धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर किसी को यकीन नहीं है एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, किसी का गाड़ी है तो हटा लीजिए, गए है ना, चले गए गए मुंह धोते हैं आप लोग जी, तो चार आदमी धोते हैं जी, पीछे से कोई नहीं बोला, हमारा कोई नहीं धोता है था। समूह जब धोते हैं ना जिद भी करते हैं ना, खुद सोचिए जिदिया करते तो गंदगी निकलता है, टूट गया नहीं, अब बीमारी कहाँ पर काटता है, अंदर की बाहर, अंदर सफाई कहाँ होना चाहिए, लेकिन हम लोग रोज खाली मार बाल्टा एरा पर साबुन सर्फ से साफ कर लेते हैं ऊपर से, और नीचे से कोई सफाइया नहीं, तो बीमार पड़ता तब पता चलता है, शरीर डैमेज हो जाता है तब बाहर निकलता तब पता चलता है। ऐसे कितना आदमी को तो बोलिएगा ना खाइए पीजिए ना, बीमारी मारी नहीं होता, अगर जरिए नहीं होता तो निकल भी जाएगा तो कितना है होते जाइए यकीन कीजिए, अगर ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर में बीमारी पड़ रहा है, अनेक यार देखिए सब्जी मुझे खरीदते हैं आप लोग मार्केट नहीं जाते हैं तो फल है साग खरीदते हैं ना जी, तो देखते होंगे सब्जी ऐसा भी कभी कभी होगा, सब्जी जब खरीद रहे हैं ना तब सुंदर देख के खरीदते हैं कि छुछुंदर देख के, सुंदर हरी सुंदर देख के खरीद लिए हाय बढ़िया, लेकिन ऐसा भी कभी देखे होंगे आप कि ऊपर से देखने में लग रहा है बढ़िया और घर में ले जाके काटते होंगे तब बीच में कुछ रहता है रहता है ना, सब में नहीं रहता, कोई कोई में रहेगा, अधिकतर में रहता है, तो काटते हैं जब खड़िए दिमाग तुरंत बोलता है हाय देखिए देखे में कितना सुंदर है, आई अंदर में कटी है, जब कष्ट ढाका तब पता चलता। अच्छा इस सब्जी जब आप लोग काटते हैं तो बीच में जब ऐसा कुछ रहता है सड़ा हुआ कुछ दागी तेरा फेंक देते हैं कि बना लेते हैं, फेंक देते हैं, हमारा तो नहीं विश्वास पहले बचाइए, अगर बचा के रखिएगा तो जीवन में सब हंसी खुशी रहिएगा, ये अंदर में जा रहा है। आज तो भोजन इतना तेजी से खराब होता जा रहा है ना कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज किसान खेत में बीज डालने से पहले कौची डालता है जी, खाद जहर है कि अमृत, जहर अमृत है, केरो नहीं मानना है कि नहीं खाद जहर नहीं है अमृत है तो जाके कफा कजिल मार दिया पता चल जाएगा, मारना नहीं है बोल दी है पहले तो मार ली, जहर है तो बीज डालने से पहले कौची डाल दिए जहर, तो बीज कौची हो गया जहर,
अब ये धीरे से बड़ा होता है पौधा, दो चार पत्ता निकल गया, गया किसान देखने के लिए, लगा पानी की जरूरत है, पानी डाल दिए, संतुष्टि नहीं हुआ, फिर कौची डाल दिया, फिर डाल दिया खाद, अने जहर जहर कौची जा रहा है, जहर ही जहर भी जा रहा, फिर निकला बाल, आगे जाके बाल निकल गया, देखे गए लगा पानी खोद रहा दे देते हैं, बलिया बरगर पटेला के बाद सूरज के बाद लगा कहा कि लोग फिर दे दी बलिया तेरी कौची हो जीता है, फिर कौची दे देते हैं, हाँ जहर जो है अमृत के ठिकाना नहीं है, कौची जा रहा है, जहर जा रहा है, अब बाल फसल तैयार हो गया, काट लिए घर में लाए, अब घर में लेला के बाद इतनो संतुष्टि में घर अनाज लाते हैं तो कौची में रखते हैं जी, ड्राम में कोठी में, गांव में पहले कोठी होता था ना, कोठी में ला के रखे, अब वहां भी अनाज रखे हैं ड्राम कोठी में, तो वो जो संतुष्टि नहीं, वो जो जाके जहरे डाल के रखे हैं, गोली देते है ना, यानी बाहर से लेके घर तक कौची जा रहा है, आपके शरीर कौची हो जाएगा, तेरे से बीमारी का लेवल बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तेरा कितना बैठा यो सोच रहे तो खादवाद नहीं देवे तो होबो तो नहीं करते, सही है बतिया, खेतवा में अगातवा के डाल दिए हैं खादवा के, यही कारण है, जे बच्चा के रोज कुरकुरे के आदत लग गए है, और एक दिन नहीं दीजिएगा तो कौची कहेगा जी, हाँ जब जाइएगा बजरिया जब तंग करेगा कुरकुरवा कुरकुरवा, आइएगा तो कुरकुरवा, आदत बन लगी तो आदत लगा दी है खाद का कोची के, यही कारण है आज मानव का उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा घट रहा, आज मानव का उम्र धीरे धीरे घटते 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 कहाँ चलाया जी, 60-70 है जी है ना, 60-70 कितना गया, 60-70 कहाँ लिखा है 60-70, कौन इतिहास में कौन पुराण में कहीं नहीं, WHO बोले हैं आज ही मानव का 100 वर्ष उम्र है, कि काहे हम बोल रहे हैं 60-70 बरा, देखा देखी बोल रहे हैं, फलना गुजर गल की कितना में 60, फलना के मौसो चल गल की 60, फलना के दादो जी चल गल की 60, तब सभ्य जान ले तो हम चल दिए तो जाए खास से, अरे देखा देखी क्या हो रहा है, अरे बीमारी तो इतना तेजी बन गया है ना आजकल, पहले तो आदमी को सूचना दिया जाता था कि खाना लगा नहीं बस की सूचना दे दो, तब कपड़ा और मिठाई जाके खिलाता था, आज तो जी है रात के बाद के लिए है, हाँ ठीक है ना खाना उना खा ले लो सुत रहो, हाँ सुते जाइयो, अब बिना खबर आता गुजार कर खून कैसे पता नहीं गलखिन पुल पैदल उन्हें अगिरा सुन गिर रहा गलखिन, सही बात है यह हाँ रहा खबर है, कैसा परेशानी हो रहा है, अब बताइए कि 60-70 वर्ष देखा देखी आज गुजर रहा है, ज्यादा तो 75 मानिए 70 नहीं तो बीमार उमर पड़ के 80 मानो, खटिया उटिया पर टंगा के 85 पानी हो जाए, रिया खिला के जा देता और आधा नहीं बच पाई जाएगा, लेकिन 100-125 वर्ष उम्र है आज मानव का, अब आज विचार कीजिए यहाँ बैठे लोग आज कट्ठा में कई किलो ओरिया आदमी बैठा होगा जी, वो किसान है बोलिए कम से कम 5 किलो, 5 में 70 बरा 100 किलो दे, बाल बच्चा कई किलो देगा पीछे से कई किलो 10 किलो, तब 5 किलो में 70 बरस, तो 10 किलो में 50 बरस, पोता देखूं कई किलो क्या कितना है वो आपको बोलना पड़ेगा 40 बरस सुना कि हो जाएगा नहीं चलता रहेगा, अब खुद विचार कीजिए तब जाकर धीरे धीरे मानव का ऐसा एक दिन कुछ हो जाएगा तू तो सवाल हो जाएगा जी, अगर इतना सच चला था ऐसा आई होना है
तेरा कोई नहीं लुटिएगा, याद रखिए बह रहा है। आपका दादाजी गोबर का नौरा देते थे, आधा किलो एक किलो देते थे तो 100 बरस बचते थे, आज 5 किलो दिए थे। फल फूल साग सब्जी सब खराब आज हो गया जी। पहले तो एक के बीज के बार बार बोते थे, आज आया हाइब्रिड कौन सी हो गया, हाइब्रिड हो गया। आप गाँव की अगर ये दशा रहेगा तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, अंत हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इस धरती पर जब जब अत्याचार रहता है ना उसका निदान होता है। आज का नहीं है जी, सब कुछ बदल गया। कितने चाहते हैं कि शरीर का मेरा सर्विसिंग हो जाए, दिल से तानी मनी बनना है, कितना बनना है तानी बात गलत बात है। जैक्सन का मेला भी देखे कहा, कोई नहीं संभाल सकता है मेला के। अब सदी बदल गया कि न बदल गया, युग बदला नहीं बदला, समय बदला नहीं बदला, तीनों चीज बदल गया। जीवन में याद रखिएगा, अगर समय के साथ अगर जीवन में आप नहीं बदले तो घुट घुट के मर जाइएगा। समय बदल गया या तो बेरोजगार नहीं है तो बीमारी जान मारेगा, लेकिन आपको तो जान मारेगा जी, एकदम मारेगा। देखिए कैसे मारेगा। अब ये मारने के लिए नहीं तैयार है, कैसा होगा देखिए, दिखाइए मानता है। अभी नहीं समझिएगा ना तो अपने आप समझ जाइएगा। इसमें आवाज दीजिए ना, कहाँ गए, पर जंगल में छिपा दिया गया था। हीरा छिपा हुआ है कि नहीं है, कहाँ है, कोयला के खान में। मोती है, कहाँ है, समुंदर में। हर महंगा चीज छिपाया गया, भगवान छिपा दिया। मैंने आप मत पहचान देखते होंगे, अगर आप रास्ता में चल रहे हैं दूगो दोस्त, अगर आपके आगू में हीरा गिर जाए, अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो कांच समझ के और कोची कीजिएगा जी, खेत में रोड पर कांच कोची करिएगा। लेकिन पिछला दोस्त देख लेगा कि हीरा गिरा हुआ है, वही जाके उपची करेगा, कहेगा अरे यार तू लात मार दिया, हीरा न था, तो कहेगा अरे हम तो पहचानबे नहीं किए, तो पहचाना तो छिपा हुआ है। पहले ऋषि महर्षि बड़ी ज्ञानी होते थे, हर चीज भय बड़ी ज्ञानी होते थे, लेकिन आज धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, कौन है, कौन है, वैज्ञानिक है। हमने डीएक्शन में अगर टीके है ना, हमारा टिकाने वाला कोई अगर है तो हमने किताब पढ़कर एक बार जीवन में याद रखिएगा, रिसर्च किया हुआ वैज्ञानिक का दिया हुआ चीज कभी दुनिया में गलत नहीं हो गया। आज नहीं तो कल विश्वास करना पड़ेगा आपको। डिग्री से लंटेन कौन लाए जी, डिग्री जलाए आप लोग, आज है किसको किसको याद है डिग्री जली है, कितना टेंशन था डिग्री जलाने, रोज तेल रोज बत्ती रोज चलाए, रोज तेल रोज बत्ती रोज चलाए, माथा खराब होता था, बाल बुजुर्ग गए भूख दर को लाया मार दूर लेकर जा रहे हैं ऐसे जरीसा तेज दूर तेज बोल अल्लाह भूख दर ओरोला आ करके लेकर कपड़ों चले के डर। लेकिन वैज्ञानिक ने कितना दिमाग लगाया, रिसर्च किया डिग्री को, इसको हटा दो, रिसर्च करते 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 डिग्री से कुछ आ गया, लंटेन आ गया। वैज्ञानिक बोल अब बढ़िया हुआ, अब अच्छा हुआ। कुछ दिन के बाद फिर आदमी के बीच से आने लगा हुआ बड़ी खराब है, रोज तेल रोज तेल रोज बत्ती रोज चला, सीता साफ कर वो टूट जाए, वह समस्या था, ठग नहीं था, वैज्ञानिक उस पर भी रिसर्च कर दिए। रिसर्च करते 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 लंटेन से कुर्सी आ गया जी, दौड़ आ गया। अब क्या, इतना बढ़िया आ गया कि कहीं जाए के जरूरत भी नहीं है, दुआरियों पर अगर खड़ी है अंदर कोई घरों में घर घर जी टूट दिया टूटा गया गया। सही बात, कितना आसान हो गया,
धरती पर सबसे बड़ा विज्ञानी कौन है? कौन है वैज्ञानिक? कम आज गरीब अमीर वैज्ञानिक कोई भी चीज का रिसर्च करते हैं ना तो सबके लिए एक समान करते हैं, अमीर और गरीब सबके लिए करते हैं, बराबर करते हैं, किसी के लिए मुंह देख के नहीं करते हैं जी, एक समान करते हैं बराबर। अब जैसे मोबाइल की ही बात लीजिए, कितना टेंशन था पहले, चिट्ठी लिखाता था या मोबाइल आया, लेकिन याद होगा मोबाइल पर कोई विश्वास करता था? कोई करता था? नहीं करता था। हाँ कि तो बोलवे या जाया चल जेते दिल्ली या भजबा लगा। बनकर आदमी के लिए पैसा वाला लगा, गरीब आदमी के लिए नहीं है। पढ़ल है क्या है? पढ़ल के लिखल के लिए है, अनपढ़वा के नहीं है। और सही बात है, पहले अनपढ़वो के जता था तो कहता हमारा कहा दिन हमारा आवाज टिक पे के जाते थे, लेकिन आज वैज्ञानिक जो रिसर्च किए, आज अनपढ़ आदमी मोबाइल चलाता है कि नहीं चलाता है? दिमाग में एक चीज घुस गया अनपढ़वा के कि फोन आवेगा तो हरियर का या काटना है तो ललका। कन्ने नो कन्ने छो कन्ने बारा छोड़े ना उसे, खाली ललका या ललका या क्या ना दिमाग धब लगा रहे हैं। कितने बढ़िया चीज वैज्ञानिक लाए हैं, तब वैज्ञानिक पर विश्वास है। अब कितने आदमी का विश्वास हुआ? सब दिमाग भी तो ये जरूर होगा, नहीं किससे होगा तब जाकर कितना बढ़िया वैज्ञानिक का फार्मूला है। आदमी फिर भी आदमी लगा ले रही है, थोड़ा सा सोच चेंज कर लीजिएगा कब ये अमीर बन जाइएगा पता नहीं चलेगा। एकर मतलब कि कनवा घरवा पर है, तारवा के कुल करा लाइन कट गया सर, लाइन कट गया। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं लेकिन 365 तो है, लेकिन 365 को एक राजा होगा कि सभी राजा होगा? सब एक हो। जैसे आज बिहार के मुख्यमंत्री के नाम कौची है जी? नीतीश कुमार। क्या नाम है? लेकिन यहाँ भी कितना आदमी बैठा है ना, या नहीं होता तो किनका जो बेटा के नाम होते नीतीश कुमार है या नहीं है?
लेकिन वो डुप्लीकेटवा नीतीश कुमार है और ओरिजिनल तो मुख्यमंत्री है। तो उसी तरीका से जड़ी बूटी है बहुत 365 प्रकार का, लेकिन ये जड़ियों बूटियों को क्या हो गया राजा। तो जो राजा काम करेगा वो कर्जा करेगा कि करेगा नहीं करेगा, ये जड़ी बूटी का राजा हो गया। तो जड़ी बूटी का राजा हम प्रमाणित कैसे करेंगे, हो सका है इनकी तो सर तो अपन कंपनियां के अपन जड़ी बूटी के बड़ाई कर कोई बात। सबसे बढ़िया दो चीज जगह सर्च कर लीजिए, पढ़ल लिखल नेट पर आयन पर आदमी पेट पर क्या कर जे ज्यादा पढ़ल लिखल कर कीजिए किंग ऑफ हर अपने बता देगा, अचरा नहीं करे आता है वो पेट में कर लीजिए। पेट में कैसे, क्योंकि भगवान यहाँ भी एक मशीन दिए है रिसर्च, बहुत बड़ा मशीन है। वो हो सकता है झूठ बोलेगा, लेकिन ये झूठ झूठ बोलेगा नहीं बोलेगा। मिठाई खाते तो मुँह में कैसे बोलता है, मैं मीठा बोला के रिसर्च कर रहा हूँ मुँह में कितना जा रहा जा रहा है ना, हम मिठाई खाते हैं तो रिसर्च हो रहा है। वैज्ञानिक इसको रिसर्च कर दिए, ऐसी का रिसर्च करके कहा कि भाई आप लोग बराबर मीटिंग में सुनते होंगे, कभी वक्त मौका ऐसा मिलेगा तब फिर कभी जनरल पर विशेष चर्चा करेंगे। बड़ी ताकतवर जड़ी बूटी है, देवी देवता पहले इसको खाते पीते थे, आदिवासी शक्ति का नाम करते थे, बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है, कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। आई आदमी तीन तरह के होता है, एक बार ध्यान रखिएगा, एगो पढ़ल होता है, एगो अनपढ़ होता है, आ एगो खूब पढ़ल होता है। लेकिन एक में खतरनाक क्यों हो रहा है, पढ़ल का हम तो पढ़ल के जब 6 महीना दिमाग लगाए न करेगा और न करने न खाएगा न खाने जी वो अवसंता रहता है। खूब पढ़ा लिखा आदमी कोई भी चीज को जब बात बोलेगा ना तो रिसर्च करता है उसको, जैसे यहाँ पढ़े लिखे लोग रिसर्च किए डॉक्टर रत्न मैडम जो डॉक्टर डॉक्टर एस रंजन ताली होनी चाहिए उनके लिए, रिसर्च कर दिए MD-DM कार्डियोलॉजिस्ट 17 साल हार के डॉक्टर के पढ़ाए हैं जी, जितने मेरे डॉक्टर 3-3 राष्ट्रपतियों का डॉक्टर भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति का डॉक्टर जोड़ा था ना हाँ तब तो भाई पहला इंडिया लेवल पर चुना जाता है कि राष्ट्रपति के स्वास्थ्य का देख रेख कौन डॉक्टर करेंगे, ऐसे डॉक्टर हमने रिएक्शन में जब आए थे ना तो 8 दिन के बाद इनका मीटिंग लगा था पटना विंटर होटल में, हमने सर बताया थे कि मुकेश जी ये राष्ट्रपति के डॉक्टर जा रहे हैं जे इसके बारे में बताने के लिए, मेरा दिमाग लगा राष्ट्रपति के डॉक्टर क्या IPS के बारे में, तो छोटा मोटा आदमी रहते हैं ये झूठ तो नहीं बोला जा रहा है। तो बोले कि देखना है, बोले एकदम चलेंगे सर, क्योंकि आँख से देखा कान से सुना सच होता है गलत सच होता है ना, कौवा कानवा ले ले जा कलवा के लिए टिकट। एक दिन पहले रात में सर कॉल किए कि कल चलना है क्या, बोले जी सर चलेंगे, सवेरे तैयार होकर जब ट्रेन पर चढ़ गए तो क्या कहते हैं आ रहे हैं इनाम के लिए जी सर, 500 रुपया लगेगा देखने के लिए, मतलब मन में चलेगा ला न 500 रुपया रहेगा अलग बेटी देख, क्योंकि आम आदमी नहीं है जो बेटी देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग साथ में जा रहे थे दो आदमी उनको हम बोले कि भाई कर्जा पैसा देवे 500 रुपया, बोले काहे ला इंग्लिश दीजिए ना दे देंगे, ये खाली हमने ना देखने के लिए डॉक्टर साहब को मन किया ट्रेन पर से लौट जाए हमारा, लेकिन फिर मन में किया ना कि देखिए ले ये जैती तो 500 में जैते है जब जैती तो जैते जैती तो चलो देख लेते हैं, और खाए पिए की भी व्यवस्था था कम से कम देखोगे नहीं तक भरपूर खाएगी तो आराम से गए। रियली में भीड़ ज्यादा देर नहीं था, करीब 150 आदमी का मीटिंग था, हमने गए देखे सही में डॉक्टर एस रंजन सर अपना बारे में पूरा की बताए तो, अरे नहीं बंद होता था नरेटिव फोर न दबरा जी वैसे ही बोली खाल दीजिए नरेटिव फूट गया सबसे बढ़िया हुआ, हम देखे उसमें क्या आ रहे हैं पूरा इसके बारे में दिखा कि राष्ट्रपति के डॉक्टर जब इन लोग कर सकते हैं तो हम कौन उनकर गली में उसी
कमीशन का फैसला लिए थे, उनका सामने हम लोग का पूछा डिग्री की है। तब वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, रिसर्च करके ना दोनों के दो भाग बना दिए।